जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम सभी स्टूडेंट्स को। जैसा कि आपको यहाँ पे स्क्रीन पर दिख रहा है कि आर्मी अग्निवीर 13 नवंबर को जो ओरिजिनल पेपर हुआ है, आज उसका सॉल्यूशन करवाया जा रहा है। जिन भी स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन भेजे हैं उनको बहुत धन्यवाद। इसमें सभी एआरओ के मिक्स प्रश्न रहेंगे। आप देख सकते हैं कि कौन से प्रश्न आपके एआरओ के पेपर में आए हैं। और मैं ये बता देती हूँ पहले ही कि सभी एआरओ में जो क्वेश्चन पेपर है वो अलग अलग था, तो हो सकता है कुछ पेपर आपके एआरओ का नहीं हो और कुछ अलग एआरओ का हो, तो भी वो पेपर भी आप देख सकते हैं। ठीक है, ज़्यादातर प्रश्न इसमें बीकानेर के रहेंगे। चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न इसके अंदर है कि हीमोग्लोबिन किसमें पाया जाता है। ये प्रश्न पेज नंबर 80 से आया है। ये अपनी तरुणा पब्लिकेशन की बुक है, पेज नंबर 80 से स्टूडेंट ने कहा है, स्टूडेंट्स ने भेजा है, उनके अकॉर्डिंग हम देखते हैं। पेज नंबर 80 निकालिए, ये देखिए पेज नंबर 80 में स्टूडेंट ने बताया है कि हीमोग्लोबिन किसमें पाया जाता है। ये प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 25, हीमोग्लोबिन किसमें पाया जाता है, उत्तर बताइए। सी ऑप्शन, रक्त में। रक्त में यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। और रक्त ऑप्शन में नहीं मिले तो आपको आरबीसी करना है, ठीक है। जबकि ये एकदम सेम टू सेम प्रश्न आया है, तो ये बहुत ही खुशी की बात है कि बच्चे बता रहे हैं कि हाँ मैम, इस जो आपकी बुक है इसमें इस पेज नंबर से प्रश्न आया है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम। प्रश्न आपको दिख रहा है, पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में और तरुणा डिफेंस एकेडमी के ऐप में शेयर करेंगे, आप वहां से डाउनलोड कर लेना। मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है, ये पेज नंबर 66 और 84 ग्रीन बुक से, और येलो वाली जो प्रैक्टिस पेपर बुक है इसमें से भी आया है। हम पहले ग्रीन बुक जो फुल सिलेबस वाली है उसमें से देखते हैं। पेज नंबर 84 निकालते हैं, पेज नंबर 84 ये आ चुका। रक्तचाप ये रहा, रक्तदाब वाला प्रश्न दिख रहे हैं आपको, 120/80, ठीक है। तो ये आपका सही उत्तर था, सेम टू सेम हमको मिल गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम, एक अश्व शक्ति में कितने वॉट होते हैं। ये स्टूडेंट ने हमको भी बताए हैं कि जो येलो वाली प्रैक्टिस पेपर बुक है उसमें पेज नंबर 44 से ये प्रश्न आया है। तो प्रैक्टिस पेपर वाली बुक में भी सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिया हुआ है, आपको पता है। पेज नंबर 84 पे आप देखते हैं तो ये हॉर्स पावर अश्व शक्ति कितने, 746 वॉट होते हैं, 746, ठीक है, नोट कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। ये जो पहला प्रश्न था अश्व शक्ति वाला, ये आपको ग्रीन वाली बुक में भी मिल जाएगा, पर आपको ढूंढना पड़ेगा। हमने अभी तक ढूंढा नहीं है, जितना स्टूडेंट्स ने बताया है उतना अभी नोट कर पाए हैं। जल्दी ही आपको पूरे प्रश्न ढूंढ के उसकी पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी जाएगी। अभी प्रश्न है आपके सामने, नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। पेज नंबर 121 निकालना है आपको, पेज नंबर 121 देखिए अभी आ जाएगा ये पेज नंबर 121। नोबेल पुरस्कार ये रहा, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय हैं रविंद्रनाथ टैगोर, सही है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सभी स्टूडेंट्स को बहुत बहुत बधाइयाँ, अच्छा पेपर हुआ है बच्चों का। मेजर ध्यानचंद से कोई क्वेश्चन आया था, स्टूडेंट को पूरा प्रश्न याद नहीं था, लेकिन स्टूडेंट इतना बता पाए कि मेजर ध्यानचंद से कुछ क्वेश्चन था। अब ये हो सकता है कि मेजर ध्यानचंद किस खेल से संबंधित है, तो वो भी आपको ग्रीन वाली बुक में मिल जाएगा, या मेजर ध्यानचंद जो है उनके बर्थडे से रिलेटेड भी आ सकता है, क्योंकि आपको पता है मेजर ध्यानचंद के बर्थडे को हम राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। तो पेज नंबर 168 निकालते हैं एक बार, तो ये यहाँ पे पेज नंबर 168 पे आप देख पा रहे हैं प्रैक्टिस पेपर नंबर जो 20 है, राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त किस खिलाड़ी के जन्म दिवस पर मनाया जाता है, मेजर ध्यानचंद, ठीक है। तो मेजर ध्यानचंद के बारे में अपनी बुक में भी बताया हुआ है। तो जो भी क्वेश्चन बनता था इससे स्टूडेंट को पूरा क्वेश्चन याद नहीं रहा, पर ये क्वेश्चन आप मान सकते हो कि इस टाइप का कोई क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट है, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे। इसके लिए आप आएंगे ग्रीन वाली बुक के पेज नंबर 126 पे, पेज नंबर 126 निकालेंगे, ये देख पा रहे हैं आप यहाँ पे।
पेज नंबर 126। यहाँ पे जैन धर्म के बारे में बताया हुआ है, बौद्ध संगीति वगैरह भी बताई हुई है सारी, यहाँ से भी प्रश्न आते हैं कई बार आपको बताएं। तो जैन धर्म के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है कि जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ देव थे और ये जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर भी थे। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए, और नोट करने वाली बात यह है कि जैन धर्म में 24वें तीर्थंकर जो महावीर स्वामी हैं, इनको जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो जब मैंने ये आपको सॉल्यूशन करवाया था, तब मैंने क्या बताया था कि अगर ऋषभ देव ऑप्शन में हो तब तो आपको ऋषभ देव कर देना है जैन धर्म के संस्थापक में, लेकिन जो महावीर स्वामी हैं उनको जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो अगर ऋषभ देव ऑप्शन में नहीं आए तो आपको क्या करना था, फिर महावीर स्वामी करना था। यहाँ साफ साफ लिखा है वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी, तो आपके ऑप्शन में ओनली महावीर स्वामी था, ऋषभ देव इसमें से था नहीं, तो आपको महावीर स्वामी सही करके आना था, ठीक है। और अगर महावीर स्वामी ऑप्शन में नहीं हो और ऋषभ देव ऑप्शन में हो तो आप ऋषभ देव भी कर सकते हैं, आगे के लिए याद रखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पे महावीर स्वामी का। फिर यहाँ पे जीवन परिचय भी दिया हुआ था, क्योंकि इससे भी कई बार प्रश्न आते हैं आपको पता है एग्जाम में, है ना, ये जैन महासंगति जो हुई थी उसके बारे में बुक में दिया हुआ था। चलो ये तो आपने पढ़ी होगी पहले भी। नेक्स्ट है यहाँ पे कि मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, ये पेज नंबर 163 और 170 दोनों पे है, मिलाते हैं एक बार, 170 पे देखते हैं पहले। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, क्वेश्चन नंबर 62 कौन करता है, देखो उत्तर क्या है, ए राष्ट्रपति, राष्ट्रपति करता है भाई, ठीक है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न, लगभग पीछे के ओरिजिनल पेपर में जो प्रश्न आए हुए हैं ना वही प्रश्न आए हैं आपके एग्जाम में। नेक्स्ट है जनरेटर से कौन सी ऊर्जा उत्पन्न होती है, जनरेटर से, ये पेज नंबर 24 पे स्टूडेंट्स ने बताया है, देखते हैं मिलता है या नहीं मिलता है, पेज नंबर 24 पे बताया है। तो यहाँ पे सभी उपकरण का दिया हुआ है कि इंजन किसको बदलता है, हमें यहाँ पे डायनेमो, यानी कि डायनेमो किसको कहते हैं, जनित्र को, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, मतलब विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है हमें, क्या विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है, तो ये प्रश्न मिल गया। वैसे ये आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आप ढूंढ लेना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आपको मिल जाएगा, ढूंढ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनित्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है, जनित्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर, ये भी ढूंढते हैं। चलिए पेज नंबर 39 पे ये आपका यहाँ पे है, जनित्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर, तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। तो इसको भी आप नोट कर लेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं। सही, हीटर वाला प्रश्न एक बार पहले आया हुआ था कि विद्युत हीटर का एलिमेंट जो होता है किस धातु का बना होता है, तो नाइक्रोम का, बल्ब का फिलामेंट, ये प्रश्न भी पुराने एग्जाम में आया हुआ है, इस वाले में नहीं आया, पुराने एग्जाम में आया हुआ है। बाकी क्या क्या प्रश्न आते हैं वो भी जब स्टूडेंट्स आ जाएंगे घर पे अच्छे से वो पूरा प्रश्न लिख के बता पाएंगे तभी हो पाएगा, ठीक है, तो तब आपके साथ पूरा शेयर करेंगे। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, तो स्टूडेंट्स को देखो जितने प्रश्न याद रहे उतने वो बता पाए हैं, क्योंकि साथ में पेपर तो मिला नहीं है, बट जितना वो याद रख पाए हैं उतना उन्होंने बताया। सबसे बड़ा मरुस्थल का अगर प्रश्न आता है तो सहारा मरुस्थल था, अफ्रीका, सहारा मरुस्थल। भारत में कौन सा मरुस्थल फैला हुआ है अगर पूछा जाए तो थार का मरुस्थल, ठीक है। तो ये बच्चों के द्वारा कुछ प्रश्न भेजे गए हैं, उनके यहाँ पे सॉल्यूशन करवा रहे हैं। बच्चों ने कुछ इस तरह का प्रश्न बताया है कि प्रदूषण के लिए जिम्मेदार है, और उन्होंने कहा है कि जो ओरिजिनल पेपर हमने प्रोवाइड करवाए थे उसमें धुआं ये ऑप्शन में था, और यही इस बार ऑप्शन में आप उनके एग्जाम में आया है, तो ये प्रश्न आपको ओरिजिनल पेपर में मिल जाएगा। भारत के द्वितीय राष्ट्रपति कौन थे, ये भी बच्चों ने कहा है कि जो ओरिजिनल पेपर हमने उनके साथ शेयर किए थे उनमें उनको मिल गया था। कुछ ओरिजिनल पेपर हम बुक्स के साथ फ्री भी देते हैं, अमेजोन फ्लिपकार्ट पे आप ऑर्डर करते हैं ये बुक्स, तो उनके साथ आपको ये वाले ओरिजिनल पेपर्स भी फ्री दिए जाते हैं। तो ये छोटा सा भी मैंने वीडियो बनाया, क्योंकि जितने प्रश्न बच्चे बता पाए हैं उतने ही मैं अभी आपके साथ शेयर कर पाऊँगी। और मैथ्स का भी बच्चों का काफ़ी अच्छा रहा है, क्योंकि मैथ्स में भी जिस टाइप के प्रश्न आपको बुक के अंदर दिए हुए हैं, जिस तरह से सॉल्यूशन करवाया हुआ है मैथ में ट्रिक्स के साथ, बेसिक के साथ, उस तरह से बच्चों को काफ़ी बेनिफिट हुआ है। लगभग डिजिट ही चेंज हुए हैं, बाकी तरीके सारे वही आए हैं, तो ये भी बहुत ही अच्छी बात है। एक बार आप सभी स्टूडेंट्स का वापस से बहुत बहुत धन्यवाद। और आप इनकी ई बुक PDF भी देख सकते हैं, तरुणा डिफेंस अकेडमी का ऐप डाउनलोड करें, डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में लिंक है, और आप अभी के अभी जाके
ऐप में इनकी ईबुक पीडीएफ भी देख सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।